सब्सक्राइब कीजिए मेरे हिंदी टेक्निकल हब को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। नमस्कार दोस्तों, फिर आपके साथ में एक वीडियो लेके हाजिर हूँ। और आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम हिंदी टेक्निकल हब है। मैं आपको सारी चीज़ें छोटी छोटी बातें बता रहता हूँ, काम की भी और मशीनों से रिलेटेड भी, और मोटिवेशनल बातें बताता रहता हूँ। तो आज मेरा जो सब्जेक्ट है वीडियो का वो है सैलरी, स्किल वाइज सैलरी कितनी होती है सीएनसी लाइन में, स्किल वाइज। ठीक है, स्किल वाइज सैलरी कितनी होती है वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के साथ बने रहें, अच्छे से देखें, वॉच करें। और जो स्किल वाइज सैलरी है सीएनसी लाइन में, सीएनसी मशीन लाइन में, चाहे सीएनसी टर्निंग हो, वीएमसी हो, एचएमसी हो, ग्राइंडर हो, पंचिंग मशीन हो, कोई भी लाइन, कोई भी मशीन हो, किसी भी ऑपरेशन की, तो उसमें एक स्किल वाइज बंदे की सैलरी डेवलप होती है। तो सबसे जो स्टार्टिंग पॉइंट जो होती है दोस्तों, वो है अनस्किल। अनस्किल जो ऑपरेटर हैं या जिनको अपन हेल्पर भी बोल सकते हैं, ठीक है, उनकी सैलरी आज की जो तारीख है, मैं उस तारीख के हिसाब से अपन बात करेंगे आज की, क्योंकि मैं ऑल ओवर इंडिया देखता रहता हूँ सारी चीजों को। तो वो जो अनस्किल ऑपरेटर या हेल्पर जो कुछ भी नहीं जानते मशीन के बारे में, उनको 8 से 10 हजार रुपये की सैलरी मिलती है। वो हेल्पर भी हैं या छोटे मोटे मशीनों पीस भी लगा रहे हैं, छोटे छोटे पीसों को, बड़े पीसों को भी, लेकिन वो मशीन के बारे में नहीं जानते कुछ भी, सिर्फ पीस लोड अनलोड कर रहे हैं। तो उसकी सैलरी 8 से 10 हजार रुपये के बीच में कहीं भी किसी भी फैक्ट्री में मिल जाती है, ठीक है। दूसरा जो सेमी स्किल आता है, सेमी स्किल ऑपरेटर है, उसको 10 से 13 हजार रुपए के बीच में सैलरी मिल जाती है। तो सेमी स्किल क्यों यूज करते हैं फैक्ट्री ओनर, कि वो स्किल्ड आदमियों के पीछे काम कर सके, ताकि उनका काम भी इतना कॉस्टली ना पड़े और कंपनी भी सर्वाइव करे। तो सेमी स्किल ऑपरेटर रखते हैं ताकि वो बड़े जो ऑपरेटर हैं या सेटर हैं उनके पीछे पीछे काम कर सके। वो 10 से 13 हजार रुपए के बीच में सैलरी मिल जाती है दोस्तों। और जो स्किल लेबर है, स्किल जो ऑपरेटर हैं, वो 13 हजार से 18 हजार रुपए के बीच में काम करते हैं। तो दोस्तों फिक्स कर रहे कि हर इंडस्ट्री में, मैं बड़ी इंडस्ट्री की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो सेमी स्किल इंडस्ट्री है उस लेवल में बात कर रहा हूं, तो स्किल ऑपरेटर 13 से 18 हजार रुपए में अवेलेबल होते हैं हर फैक्ट्री में। तो उनका स्टैंडर्ड बना हुआ है हर कंपनी का कि इस स्टेज पे इस स्किल वाइज ये सैलरी डिफाइन कर रखी है। अब सेटर, जैसे सेटर में बात कर रहा था, सेटर की जो सेटिंग कर सकता है, सेटिंग कर रहा है मशीनों पे, वो सेटर है। सेटर की जो सैलरी है वो सैलरी 18 से 25 हजार तक की सैलरी आपको सेटर के रूप में मिल जाती है। जब आप सेटर बन गए, यहां से इन चीजों को उभरते हुए आप यहां तक आगे, सेटर तक यहां तक आने आने में आपको 3 साल का वक्त लग जाता है। तो 3 साल का वक्त, अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो हो सकता है आप 1 साल में भी इस चीज को पिकअप कर जाओ, लेकिन 3 साल तक आपको ऑपरेटिंग करके सेटर के रूप में आना पड़ेगा। और सेटर के रूप में आते ही आपका लेवल बढ़ने लग जाता है। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, आपकी सैलरी ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे आउटपुट दिखाएंगे कंपनी के अंदर, तो वो सैलरी भी आपको इंक्रीज करते जाएंगे। और सेटर के रूप में आने के बाद आपको सेमी प्रोग्रामर के रूप में रखा जाएगा, सेमी प्रोग्रामर, जो फुल प्रोग्रामर नाम के, प्रोग्राम में करेक्शन करना या फॉरवर्ड बैकवर्ड प्रोग्राम को आगे पीछे करना या ब्लॉक सर्च करना या और चीजें हैं छोटी मोटी जो प्रोग्राम से रिलेटेड है, जहां प्रोग्रामर थोड़ा साइड में अटके काम करता है, तो वो सेटर, मैक्सिमम सेटर कर लेता है, तो सेमी प्रोग्रामर बन जाता है वो।
उसको ये सब चीजें करते करते 6 से 1 साल का समय लग जाता है, और जब उसको ये चीज आ जाती है तो वो 20 से 30 हजार के बीच में काम करने लग जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सेमी प्रोग्राम में भी बहुत मायने रखता है। सेटर के बाद फिर ये मशीनों की जिम्मेदारी लेने लग जाता है हर चीज की, काम की। और सेमी प्रोग्रामर के बाद फिर प्रोग्रामर आता है दोस्तों। एक जो प्रोग्रामर है सीएनसी या बीएमसी का प्रोग्रामर, ये जो सैलरी कंपनी के अंदर कंपनी जो देती है 30 से 50 हजार के बीच में इसको प्रोवाइड कराती है। हर कंपनी का स्टैंडर्ड है, काम करने का भी तरीका है, काम करवाने का भी तरीका है। और जब सेटों को लगता है या ओनर को लगता है कि काम बंदा कर रहा है तो वो पैसे देता ही है उसको, काम से मतलब है, इतना पैसे भी जोर नहीं देगा। तो प्रोग्रामर होता है काम निकाल के देता है, काम निकालता है तो अपने आप ही ग्रोथ होती है। और जब फुल प्रोग्रामर बन जाता है, फुल प्रोग्राम से मेरा मतलब है फुल प्रोग्रामर, फुल प्रोग्रामर जिसमें स्किल क्या क्या होगी, सीएनसी टर्निंग की, वीएमसी की, 3D की, 2D की प्रोग्रामिंग, ये सारे प्रोग्रामिंग जब वो करने लग जाता है, सब कुछ डेवलपमेंट वगैरह इंडिविजुअल करने लग जाता है, तो उसको 50 से 80 हजार रुपए के बीच में सैलरी ऑफर की जाती है। तो आपको यहां तक आने में कम से कम 10 से 12 साल लग जाते हैं। 10 से 12 साल आने के बाद जब बंदा अपना आपको सेट करता है मार्केट में या कंपनी के अंदर, तो उसको प्रोग्रामर की पोस्ट दे दी जाती है। और जो कम से कम 10-15 मशीन होगी किसी भी इंडस्ट्री में, तब जाके उसको प्रोग्रामर की 50 से 80 हजार रुपए के बीच में सैलरी मिलेगी। और अच्छे से कर सकता है तो और आगे भी इंक्रीमेंट चलते रहते हैं, जैसे जैसे करेगा तो उसकी सैलरी बढ़ती जाएगी, तो उसकी पोस्ट भी बढ़ती रहेगी। फिर इसके बाद फुल प्रोग्रामर के बाद आपको बताता हूं, फिर आदमी बन जाता है वर्क मैनेजर। ठीक है, वर्क मैनेजर का काम क्या होता है, वर्क को मैनेज करना। तो वर्क मैनेजर वही बनता है जिसको वर्क के बारे में नॉलेज होगी। तो प्रोग्रामर जब बढ़ जाता है बंदा, तो वर्क मैनेजर की पोस्ट दे दी जाती है। वर्क मैनेजर की सैलरी ग्रेटर देन 1 लाख के आसपास पहुंच जाती है। तो 1 लाख जब सैलरी पहुंच गई वर्क मैनेजर की, तो वो सब चीजों को इन्वॉल्व हो जाता है, प्रोडक्शन से इनपुट से आउटपुट तक सारी की सारी चीजों में इन्वॉल्वमेंट होने लग जाता है। और फिर आदमी कहाँ भागता है, प्लांट मैनेजर की तरफ। प्लांट मैनेजर पहुंचते पहुंचते आदमी को 15 से 20 साल लग जाती है प्लांट मैनेजर बनते बनते, तब जाके वो एक एक से लेके 2.5 लाख की सैलरी मिलती है उसको। तो ये मैंने आपको स्टेप बताया, स्टेप बाय स्टेप सैलरी कैसे कैसे इंक्रीज होती है। तो उसके वर्क एटीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा, बिहेवियर पे भी डिपेंड करेगा। ये नहीं काम ही काम है, उसके बिहेव बहुत जरूरी है, कंपनी के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, और लीडरशिप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है लीडर की कि कंपनी का वर्क को आगे लेके चले। तो मैंने आपको थोड़े छोटे टिप्स बताए दोस्तों, इनके साथ आप फॉलो करेंगे तो साथ जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और दुआ करता हूँ कि आप लोग आगे बढ़े। तो आज के लिए इतना ही काफी, फिर एक वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।